नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। सर, अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, अकाउंट ओपनिंग के विषय में जानकारी चाहिए आपको। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसमें अगर आप खाता खुलवा चुके हैं या फिर खुलवाने के लिए सोच रहे हैं, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, इधर उधर लोग से पूछते रहते होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए और बात कीजिए, जो भी आपके मन में सवाल है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो कैसे बात करेंगे, किस नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ दिखा देंगे। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कभी भी आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिलेटेड कोई भी डाउट्स बनते हैं तो आप इजीली कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन आपको बनेंगे अगर आप नहीं पूरा वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कॉल लगाते हैं। मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो आपको साइड में यहाँ पे तो दिख रहा होगा, चलिए इसको हैंड फ्री करते हैं। देखिए अभी तो अमान बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बार ऑलरेडी पहले भी ट्राई किया था लेकिन कॉल नहीं लगा था। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि नंबर अमान बताता है या फिर कॉल नहीं लगता है, तो आपके घर में कोई और मोबाइल होगा, आप उसे ट्राई कर लीजिए। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है अभी। वेलकम टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए अब लग गया। आपके द्वार नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी प्रेस 1, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। देखिए अभी हिंदी के लिए 1 बोला तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ, मुझे हिंदी में बात करना है। वर्चुअल डेबिट कार्ड, आपका जो भी लैंग्वेज होगा अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अनधिकृत लेन देन या धोखाधड़ी की जानकारी दर्ज करवाने के लिए 2 दबाएं। दो स्टेप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 3 दबाएं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित जानकारी के लिए 5 दबाएं। चलिए मुझे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो मैंने वहाँ पे 1 प्रेस कर दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं कब तक वो कॉल रिसीव करते हैं। वैसे तो मेरा कोई सवाल नहीं है, तो मैं इनसे पूछूंगा कि अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में माइनर हो या फिर मेजर हो अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, ये आपके लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तो इस बात पर एक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ट्राई करते हैं हम लोग भी कस्टमर केयर में कॉल करने का, लेकिन कभी विफल हो जाते हैं, सफल हमेशा नहीं होते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। अभी देख रहे हैं कॉल यहाँ पे लगा है, मैंने म्यूट कर दिया, अभी तक वो रिसीव नहीं किए हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे वहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर नहीं करते तो थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कब तक वो रिसीव करते हैं। अभी जो टाइमिंग चल रहा है वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, फिलहाल आप मोबाइल भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी सवाल होगा पूछूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई माइनर है या फिर मेजर, प्लीज होल्ड व्हाइल वी कनेक्ट योर कॉल। कनेक्टिंग के लिए वेट करने के लिए बोला जाता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आपको भी वेट करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि कोई फ्रेंड को कॉल लगा, डायरेक्ट कॉल लगा और बातचीत कर लेंगे, ऐसा बात कस्टमर केयर में नहीं होता है, क्योंकि उनको कॉल पे बहुत सारे आते रहते हैं कॉल, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। सर, अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, अकाउंट ओपनिंग के विषय में जानकारी चाहिए आपको। जी सर, क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? सर, सुजीत कुमार। धन्यवाद नाम बताने के लिए। अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी खाता खुलवाने के लिए। नजदीकी पोस्ट ऑफिस, आईपीपीबी ब्रांच में, या फिर आप डोरस्टेप के माध्यम से खाता खुलवा सकते हैं। तो सर, आधार कार्ड और पैन कार्ड? जी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर, तो अकाउंट नंबर कब तक मिल जाएगा सर? इंस्टेंट मिल जाएगा सर। इंस्टेंट मिल जाएगा। अगर सर माइनर कंडीशन में खुलवाते हैं तो उसमें? किस कंडीशन में? माइनर, माइनर के लिए सर नजदीकी ब्रांच में संपर्क कीजिएगा।
और सर कोई फॉर्म भी लेना पड़ेगा या ब्रांच में ही मिल जाएगा सर? ब्रांच की तरफ से बता दिया जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। कोई और सहायता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से? नो सर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में संपर्क करने के लिए धन्यवाद सर, आपका समय शुक्रिया। थैंक यू सर। तो बीच में ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो चुका था, मैंने आपको दिखाया था। तो जैसे कि मैंने इनसे सवाल किया था कि अगर मुझे अकाउंट ओपन करवाना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर, जाइए और इंस्टेंट आपको अकाउंट ओपन करके दे दिया जाता है। तो इस बात पे आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आधा घंटा से भी ट्राई कर रहा था कि कॉल कब लगेगा कब नहीं लगेगा, फाइनली कॉल लग गया। तो आप लोग घबराइए नहीं, कॉल नहीं लग रहा है, नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो बार बार ट्राई कीजिए, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप प्रयास करेंगे। अगर प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो सफलता कैसे मिलेगी, ठीक है? तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके मन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिगार्डिंग सवाल है आप इजिली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आपको सॉल्व कर देंगे। अगर वहां से नहीं होता तो उन्होंने बताया कि आप नजदीकी ब्रांच में जाके विजिट कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है वहां से आपको बता दिया जाएगा। अगर वहां से भी नहीं होता है तो डायरेक्टली आप ब्रांच में जाके कॉल कर दीजिए और बोलिए कि सर ब्रांच में आए हैं, जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट उनसे आप बात करवा दीजिए, तो थोड़ा सा उनको यहाँ पे समझ रहे क्या होगा, तो इजिली आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व भी हो जाएगा। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और हेल्पलाइन नंबर वीडियो के साथ। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जो भी मेरे वीडियो आएगी वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।